सोनाली सिंह, स्वागत है आपका डेली इंसाइडर में। रुक करते कुछ ताजा खबरों की ओर। दिल्ली के यमुना में डूबे चार युवक, तीन के शव बरामद। भारत में कोरोना के 18,815 नए मामले आए सामने, 38 मरीजों की हुई मौत। झारखंड में 18 जगह ईडी का छापा, टेंडर घोटाले से जुड़ा है मामला। यूपी के विधान परिषद में समाजवादी पार्टी की नेता प्रतिपक्ष की मान्यता हुई खत्म। उद्धव ठाकरे को एक और झटका, अब नवी मुंबई में शिवसेना के 32 पार्षदों ने एकनाथ शिंदे को दिया समर्थन। ट्विटर ने एक दिन में 10 लाख फर्जी अकाउंट्स को हटाया। मुंबई में आज भारी बारिश का अनुमान, कई जिलों में रेड अलर्ट जारी। गॉडफादर फेम एक्टर जेम्स कॉन का 82 साल की उम्र में हुआ निधन। भाजपा के सभी नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद आज पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। टी20 के पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को 50 रनों से हराया, हार्दिक ने लिए 4 विकेट। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डेली इंसाइडर। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।